एसपी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहा है, एसपी कब तेरे से आ गया बंगले में, मैंने एसपी पैसे लेके मेरी एमडी खाई, मैं अपनी मर्जी से खाती हूँ, जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। बाप रे बाप, क्या गजब के तेवर हैं इन मोहतरमा के। एसपी कब तेरे से आ गया बंगले में, मैंने एसपी सीधे एसपी को ही धमका दिया। एसपी मेरी रिकॉर्डिंग देख रहा है, एसपी कब तेरे से आ गया बंगले में, मैंने एसपी पैसे लेके मेरी एमडी खाई, मैं अपनी मर्जी से खाती हूँ, जो करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। मेरे को एक ही फिक्र है, मेरे को एक ही बंदा चाहिए सुबह तक, वो सोप चाहिए। सुना कितने तीखे हैं इस लड़की के शब्द। भाई ये जो करती हैं अपनी मर्जी से करती हैं, भले ड्रग्स ही क्यों ना लेती हूँ। थाने एक दो मुकदमा और बनावे, बस मैं जेल ही जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ। हाथों में बंदूक थामे ये लड़की राजस्थान की नागौर पुलिस के बीच अपनी धाक जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तभी तो सोशल मीडिया पर लाइव आकर ये नागौर के एसपी को खुलेआम चैलेंज कर रही है। रुपया कमाना है, दो नंबर नागौर में तू क्या रुपया कमाना है, दो नंबर ला ए सीता शिकरवाल, माल भी बको कौन कर दिया साईं, मने तो मैं ले दे थाने एक दो मुकदमा और बनावे, बस मैं जेल ही जा रहा हूं, बस महीने में मिल दूं। गालियां देने में तो जैसे मैडम ने पीएचडी कर रखी हो। क्या पुलिस और क्या बड़े अधिकारी, इस लड़की ने इन दिनों सबको धमका रखा है। राजस्थान पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 27 साल की लड़की का नाम कमला चौधरी है। एसपी कब तेरे से आ गया बंगले में, मैंने एसपी, ये खुद को लेडी डॉन बताकर लोगों पर अपनी धाक जमाती है और इस केसी धाक के चक्कर में आज ये सलाखों के पीछे है। रुपया कमाना है, दो नंबर इस लेडी डॉन का मानना है कि ऐसी हरकत करके ये नागौर में हाईलाइट हो सकती है, एसपी और बड़े बड़े बिजनेसमैन को धमका कर वो फेमस हो सकती है। आपको बता दें कि कमला चौधरी पर दिसंबर 2020 में एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को ब्लैकमेल कर 11 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगा था। बाद में नागौर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जेल से छूट गई। कमला इस तरह के कई वीडियो बनाकर अक्सर रसूखदार लोगों को धमकाती है। अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ये अलग अलग हथियारों के साथ वीडियो और फोटोज रेगुलर अपडेट करती है। इनमें पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए उसके एक फोटो को लेकर कई सवाल भी उठे हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कमला की धमकी से लेकर नशे के धंधे से जुड़े होने वाले कई और वीडियोज हैं। कई बार तो लाइव के समय कमला के हाथों में शराब की बोतल और कारतूस भी देखे गए हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर कमला चौधरी के बारे में युवाओं में काफी क्रेज है, लड़के तो इसके दीवाने हैं। ये खुद अपने हर कारनामे की रील्स शेयर करती है। फिलहाल कमला का यह आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो पर कार्रवाई की और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट।